मेरे कज़न ने मेरे घर में चोरी की जो साबित भी हो गई और उनके वालदैन को बताया मैं उनके घर नहीं जाना चाहता, कुछ वक्त के लिए बायकॉट कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन निकाह की सर्विस भी मौजूद है, क्या ये जायज़ है? अगर जायज़ है तो उसका तरीका कार क्या है? मुझे इसका नहीं पता भाई। इस्लाम और पाकिस्तानी अलहम दुशादी के लिए पहली इजाज़त ज़रूरी है, इस पाकिस्तान के कानून में तो दूसरी शादी की इजाज़त में ज़रूरी है, अल्लाह के कानून में ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरी शादी इजाज़त के बगैर शादी कर ली तो आप पर सज़ा हो सकती है पहली बीवी अगर केस करें तो 6 महीने की जेल है। तो इतना अगर 6 महीने में आपको एक और मिल जाए तो 6 महीने सब्र कर लो भाई, क्या ख्याल है भाई? 6 महीने कोई आपको बताए कि 6 महीने समझ गए ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक साहब मुझे कहने लगा मेरी बीवी ने केस कर दिया, मैंने कहा 6 महीने जेल काट के आ जाता है, क्या है मोहब्बत? पहली बीवी से मोहब्बत का भी तकाजा है कि उसका भी थोड़ी भड़ास निकले, उसको बोले ठीक है तुम्हें तकलीफ हुई है तो अपना गम निकालो। लेकिन मसला ये कि 6 महीने उसकी कफालत कौन करेगा? फिर हुकूमत भी अजीब ही है, कानून बनाती है सोचती नहीं। वो 6 महीने जब वो अंदर रहेगा तो बीवी बच्चों को कौन पालेगा? ख्वातीन का तजवीद ग्रामर अरबी और कुरान की तफसीर के लिए अलहुदा इंटरनेशनल में दाखिला लेना, अलहुदा से पढ़ सकते हैं मगर मसाइल किससे पूछें? उलमा से पूछें, मसाइल उनसे ना पूछें, वो मुफ्ती नहीं। मेरी शादी को महीना हुआ है, मेरी अहलिया सगी खाला की बेटी है, सब रजामंदी शादी हुई, लेकिन अहलिया की बातों से लगता है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। भाई ये तो ख़ानदानी मसाइल हैं, दोनों घर वालों ख़ानदानों को बिठा के पूछें कि वो रहना चाहती नहीं रहना चाहती, फिर जो भी है।